नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के वजन घटाने के 10 अचूक आहार। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किन आहारों का अगर आप सही ढंग से सेवन करते हैं तो अपने वजन को कम कर सकते हैं आप। पानी, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस यह आसान सा नुस्खा आप अपनाइए। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए हर रोज़ पीने में, दिन में 2 से 3 लीटर पानी। तथा इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीते हैं लगातार तो कोई भी तरल पदार्थ पी लें। पानी न सिर्फ फैट कम करता है बल्कि शरीर से जहरीले तत्वों को भी निकालता है। यह भूख कम करता है और कब्ज रोकता है। खाने के 15 मिनट बाद घूंट घूंट कर गर्म पानी पीना चाहिए, आपको लाभ होगा, आपका फैट कम होगा। दोस्तों, संतरा, संतरा वजन कम करने में मदद करता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने के कारण चयापचय को बढ़ावा देता है और वजन घटाने में मदद करता है। संतरे के मौसम में इसे नियमित सेवन करने से मोटापा कम होता है और बिना डाइटिंग किए ही आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सूखे फल, ड्राई फ्रूट में ताज़ा फलों की तुलना में ज़्यादा कैलोरी होती है। यदि आप 1 कप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो आपके शरीर में 400 कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि आप ताजे फल खाएंगे तो आपकी बॉडी को कम कैलोरी मिलती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मूली, चमकीले रंग की सब्जियों, पोटेशियम, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और गंधक यौगिक से भरपूर पाचन को ठीक रखते हैं। इसके अलावा इसकी जड़ों में विटामिन सी और अधिक से अधिक कैल्शियम होता है। मूली के लगातार सेवन से आपका पाचन ठीक रहता है जिससे वजन नहीं बढ़ता है। इस प्रकार से अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो कड़ी मेहनत किए बगैर ही आप अपना वजन कम कर सकते हैं। ग्रीन टी, हरी चाय एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, साथ ही यह फैट को बर्न करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है। अगर आप रोज़ाना 2-3 कप ग्रीन टी के लेंगे तो आप बैड कोलेस्ट्रॉल से राहत पा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटियों के शोध आते रहते हैं समय समय पर दोस्तों, उन्हीं में से एक शोध मैंने पढ़ा। उनका मानना है कि ग्रीन टी में विशेष प्रकार के पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जिससे शरीर में फैट्स को बर्न करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ब्रोकोली जिसे कैंसर से लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है, पर इससे वजन भी कम होता है। ब्रोकोली में फाइबर, विटामिन ए, सी और कैल्शियम पाया जाता है जो वजन को बढ़ने नहीं देता है। गोभी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विटामिन सी, गोभी एक प्रतिरक्षा बूस्टर है। अपने आहार में गोभी को शामिल करें और देखें कि आपका अतिरिक्त वजन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। ब्राउन राइस, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करके देखें। यह एक सुपर खाद्य पदार्थ के रूप में आपको काम करेगा। इसमें कैलोरी कम होती है लेकिन फाइबर से ये भरपूर होता है, और जिस फल या सब्जी या खाद्य पदार्थ में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपको भूख कम लगेगी दोस्तों, यानी कि आपका पेट भरा हुआ फील होगा, इसकी वजह से आपका वजन कम हो जाएगा। बादाम, फैट भूख को दबाता है। बादाम में फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसके अलावा फाइबर होता है इसमें जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है। इसके अलावे भी कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे तरबूज, क्योंकि इसमें 91% तक पानी होता है। इसके अलावा विटामिन B1, विटामिन B6, इसके अलावा सी भी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में दोस्तों। अगर आप खाने से पहले इसका सेवन करते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि पेट भरा भरा सा फील होगा तो आपका वजन कम होगा। ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ और हैं दोस्तों, जैसे बीन्स, अजवाइन, अजवाइन का पानी आप पियेंगे तो आपका पाचन भी मजबूत रहता है। खीरा, जिसमें कि 96% तक पानी होता है और सेम उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी। टमाटर,
टमाटर का सबसे बड़ा गुण है कि खून में ये लिपिड की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ता है अननेसेसरली। सेब में भी फाइबर पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अनानास, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं दोस्तों उचित मात्रा में, तो आपका वजन संतुलित रहेगा। और कभी भी जब हम फिट होते हैं, हमारा वजन सही होता है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये था आज का हमारा व्यू दोस्तों आप सभी के लिए, फैट से रिलेटेड, कैसे हम अपने फैट को खाद्य पदार्थों के द्वारा कम कर सकते हैं। अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।